म्यूजियम आइलैंड बर्लिन के बहुमूल्य सांस्कृतिक खजाने का गढ़। यहां दुनिया भर से आई कीमती चीजें मौजूद हैं। वे मानवता के सामने खड़े हर छोटे बड़े सवालों का जवाब देती हैं। आज सुबह आईने के सामने खड़े होकर आपने खुद से सबसे पहला सवाल क्या किया? ये कि आज मैं कैसा दिख रहा हूं या दिख रही हूं? लेकिन हमारे लिए खूबसूरती के मायने क्या हैं और क्यों हैं? खूबसूरती की अद्भुत मिसाल नेफरतिति उसके चारों तरफ जैसे उत्तमता का एक तेज है। यहां बर्लिन में दुनिया भर से आए प्रशंसकों की नजरें बस उसी पर जमी रहती हैं, ठीक उसी तरह जैसे कभी नील नदी पर बसे साम्राज्य में रहा करती थी। नेफरतिति का अर्थ होता है किसी को खूबसूरती मिल चुकी है या कोई परफेक्ट परिपूर्ण बन गया है, और इस मूर्ति को देखकर ये नाम एकदम सटीक लगता है। लंबी गर्दन, कोमल और थोड़े अंदर धसे हुए गाल और बेहद खूबसूरती से तराशे गए होंठ। पहली नजर में लगता है मानो किसी ने उसकी भौहों को ब्रश के एक स्ट्रोक से पेंट किया हो, लेकिन एक एक बाल सलीके से पेंट किया है। मिस्र के रेगिस्तान में लगभग 3500 साल की नींद के बाद नेफरतिति बिल्कुल ठीक वक्त पर जगी, क्योंकि जिस तेजी से खूबसूरती ढलती है वैसे ही उसके मायने भी बदलते हैं। जब वो मिली तो लोग उससे बहुत चमत्कृत थे। उसकी खोज 1912 में हुई थी और 1923 में उसे पहली बार प्रदर्शित किया गया। नेफरतिति उस दौर में पर्दे पर छाए सुंदर चेहरों और उस वक्त की सुंदरता के पैमानों पर एकदम खरी उतरी। अगर खूबसूरती के हमारे आदर्श बारोक काल जैसे होते तो शायद वो उन पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि वो रूबेंस की कल्पनाओं वाली महिला नहीं थी बल्कि ग्रेटा गार्बो जैसी ज्यादा थी। और इसीलिए शोहरत की दुनिया में नेफरतिति की वापसी भी किसी हॉलीवुड स्टार की तरह हुई, क्योंकि 1923 में प्राचीन मिस्र को लेकर दुनिया में गजब की दीवानगी थी। तभी ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने तूतनखामेन का मकबरा खोजा था जो एकदम सुरक्षित था। इसमें मिले खजाने से उस भव्यता की झलक मिलती है जिसमें नेफरतिति रही होगी और राज किया होगा। आखिरकार वो तूतनखामेन की सास जो थी। दुनिया भर में मशहूर उसकी इस मूर्ति को अमरना में नील नदी के पूर्वी तट पर बनी एक वर्कशॉप के खंडरों से बड़े ही साधारण तरीके से निकाला गया था। नेफरतिति के जीवन काल में चीजें बिल्कुल ऐसी ही दिखती होंगी जैसे यहाँ बर्लिन की रेप्लिका वर्कशॉप में, जहाँ नेफरतिति की मूर्ति की प्रतियां बनाई जाती हैं। अगर ये होंठ बोल पाते तो जरूर उस क्रांति की गाथा सुनाते जिसने मिस्र के लोगों के बारे में दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया। एक ऐसी क्रांति जिसका नेतृत्व नेफरतिति ने अपने पति वहां के राजा अखेनातेन के साथ मिलकर किया था और जिसने हमेशा के लिए मिस्र वासियों की सुंदरता की कसौटियों को बदल दिया। पारंपरिक रूप से प्राचीन मिस्र की संस्कृति में बहुत से ऐसे देवता थे जिनका शासन न सिर्फ इस दुनिया पर बल्कि इसके बाद वाली दुनिया पर भी माना जाता था। तभी सब कुछ बदलने वाला था।
अखेनातेन का विश्वास था कि भगवान सिर्फ एक ही हो सकता है और वो देवता है सूर्य का प्रकाश। वो मानता था कि सिर्फ प्रकाश में जीवन को पैदा करने की ताकत है। उसने सूरज को भगवान आतेन का नाम दिया। उसने एक तरह के त्रिदेव बना दिए थे जिसमें एक जन्मदाता आतेन था जो प्रकाश है और एक दिव्य जोड़ी थी नेफर्तिति और अखेनातेन की। इसीलिए नेफर्तिति का दर्जा बहुत खास था। सरकारी अधिकारियों, जनता और पुजारियों की प्रार्थनाओं को दिव्य शाही जोड़े के माध्यम से आतेन तक पहुंचाया जाता था और इसी के साथ मिस्र की सदियों से चली आ रही मौलिक प्रथाएं टूट चुकी थी। इस शाही जोड़े ने खुद को बच्चों से प्रेम करने वाले एक ऐसे परिवार के रूप में पेश करना शुरू किया जिस पर सूर्य भगवान का तेज बरसता था। मिस्र वासियों ने इससे पहले कभी अपने शासकों को इस रूप में नहीं देखा था। एक ईश्वर में विश्वास करना तब एक बड़ा सामाजिक बदलाव था जो उस वक्त के कलात्मक चित्रण में भी झलकता है, लेकिन उस क्रांति से जुड़े कई रहस्य आज तक भी रहस्य ही बने हुए हैं। हम मिस्र विशेषज्ञ कभी इस बारे में संतोषजनक जवाब तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम नहीं बता पाएंगे कि कैसे और क्यों इतना बड़ा बदलाव आया और लोगों को कैसे दर्शाया गया। उस वक्त ऐसे चित्रण उभर कर आए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे, जिनमें अद्वितीय तात्कालिकता और खूबसूरती को दर्शाया गया था। और ये उसी आखिरी चरण में हो रहा था जब रानी नेफर्तिति की ये रंगी हुई मूर्ति भी बनाई गई थी। क्या नेफर्तिति के चेहरे पर गर्व का भाव चीजों को नई रोशनी में देखने के उसके साहस को दर्शाता है? और क्या इसीलिए उसके स्पष्ट अलगाव के बावजूद हम खुद को उसके करीब महसूस करते हैं? अखेनातेन और नेफर्तिति ने मिस्रवासियों का ध्यान जीवन के बाद वाली दुनिया से हटाकर जीवन पर लगा दिया। वे उन्हें भूमिगत दुनिया से रोशनी की दुनिया में ले आए। हम सूरज, चांद और तारों को देवता माने या न माने, लेकिन हम ये तो सोचते ही हैं कि क्या कल सूरज चमकेगा या फिर मौसम कैसा रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पूर्वज सोचते थे। इस कमरे में घुसते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं सोचता हूँ कि वाकई ये तो जादू है। ये ऐसी चीज है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ऐसी किसी चीज का अस्तित्व भी कैसे हो सकता है? Ich weiß nicht, welche Assoziationen Sie haben. Ich habe ganz viele Gruppen, die denken so zuerst an Harry Potter, an Zauberhüter. पता नहीं आपको क्या ख्याल आ रहा है। बहुत से लोगों को हैरी पॉटर का ध्यान आता है, जादूगर वाली टोपी का। ये उससे अलग नहीं है। ये शुद्ध सोने की बनी हुई है और इसे बड़ी कलाकारी से तराशा गया है। जरा कल्पना कीजिए, मैं ये क्यूब अपने साथ लाया हूँ जो हर तरफ से 3 सेंटीमीटर का है। अगर हम इस टोपी को पिघलाते हैं तो हमें इतना ही सोना मिलेगा। इसे कोई तंत्र मंत्र का जानकार पहना करता था। लेकिन दिलचस्प सवाल यह है कि इन आभूषणों का मतलब क्या है? क्या इस टोपी से पता चलता है कि गर्मी और सर्दी कब शुरू होगी और कब खत्म होगी, वसंत ऋतु कब शुरू होगी और कब बुआई शुरू करनी चाहिए? इन सब चीजों की भविष्यवाणी आसमान देखकर की जा सकती है। निसंदेह उस समय नक्षत्रों की जानकारी दर्ज करना बहुत जरूरी था। ऐसी चीजों की सटीक भविष्यवाणी से तय हो सकता है कि उत्सव होगा या सूखा पड़ेगा। ऐसी चीजों की भविष्यवाणी के लिए बहुत जानकारी की जरूरत होती थी और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता था। नक्षत्र विद्या को समझने का यही एक तरीका था। आप सितारों पर भरोसा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और आह्वान करते हैं। ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और हो सकता है कि ये इस सुनहरी टोपी का हिस्सा हो। और
यहाँ हम बर्लिन की सुनहरी टोपी के बहुत सारे तकनीकी विवरण और एक्सरे चित्र देखते हैं। हमने दर्जनों एक्सरे लिए, हमने फिल्म को आकार के हिसाब से काटा और इस सुनहरी टोपी के ऊपरी हिस्से तक पहुँच गए। हमने इसके छोटे से छोटे हिस्से के एक्सरे किए, हर एक हिस्से के, लेकिन इसमें एक भी जोड़ नहीं मिला। कल्पना कीजिए एनविल बीक नाम के एक औजार की, जिस पर कई चरणों में सोने को ढाला गया होगा। हुनर देखिए, प्रागैतिहासिक काल के सुनार ने इस थोड़े से सोने से इस टोपी का ऊपरी हिस्सा भी बनाया और किनारे को भी आकार दिया। वाकई कमाल है। यहाँ आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि कैसे टोपी के मुख्य हिस्से से सोना बाहर की ओर मुड़ा और किनारे बनाने के लिए क्षैतिज रूप से बाहर लाया गया है। सब कुछ एक ही टुकड़े से? सब एक टुकड़े से। मौसम कैसा होगा, ऋतुएं कैसे बदलेंगी, बुआई और कटाई कब करनी है, लगता है ये सब सवाल हमारे पूर्वजों ने इस सुनहरी टोपी वाले व्यक्ति से पूछे होंगे। उन्हें लगता होगा ये व्यक्ति नक्षत्रों को समझता है। नक्षत्र विज्ञानी, मौसम विज्ञानी, अंतरिक्ष विज्ञानी या कहा जाए जादूगर। बर्लिन का खजाना, ट्रेजर ट्रोव, बर्लिन के राजकीय संग्रहालय, सुंदरता के मंदिर और आधुनिक रिसर्च के केंद्र हैं। वे अंतहीन कहानियों के स्रोत भी हैं। पर उनकी कहानी कहां से शुरू हुई? इसकी शुरुआत तब हुई जब प्रशिया के राजाओं के कलेक्शन को पहली बार जनता के सामने पेश करने की योजना बनाई गई। ১৮৩০ में कार्ल फ्रिडरिश श्रिंकेल ने स्थापत्य कला का एक शाहकार रचा, एक न्यू क्लासिकल टेम्पल ऑफ आर्ट, जिसकी स्थापना किंग फ्रिडरिश विल्हेम तृतीय ने सभी तरह की प्राचीन कलाकृतियों और उदार कलाओं के अध्ययन के लिए की थी। जब बर्लिन 1871 में स्थापित नए जर्मन साम्राज्य की राजधानी बन गया तो इसके संग्रहालयों को ऊंचा रुतबा हासिल करना ही था, और ऐसा होना स्वाभाविक भी था क्योंकि ये देश उस वक्त एक बड़ी ताकत था। दुनिया भर में पुरातत्वविदों की बहुत सारी टीमें भेजी गईं। हालांकि उनकी खोज अब संग्रहालयों की शोभा बढ़ाती हैं और दूरदराज की संस्कृतियों के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं, लेकिन अपने मूल स्थानों पर उनकी अनुपस्थिति सांस्कृतिक विरासत में अक्सर एक दर्दनाक खालीपन छोड़ जाती है। क्या हमारे संग्रहालयों में सभी कलाकृतियां कानूनी तौर पर हासिल की गई हैं? आज इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना संग्रहालयों के सामने बड़ी चुनौतियों में से एक है। 19वीं सदी में कला और संस्कृति के मुद्दों को आज के मुकाबले अलग तरह से देखा जाता था, तभी बर्लिन का विशाल संग्रह स्थापित किया गया था। खूब म्यूजियम बनाए गए। ओल्ड म्यूजियम और न्यू म्यूजियम के निर्माण के बाद 1876 में नेशनल गैलरी बनाई गई, जिसमें अब 19वीं सदी की पेंटिंग्स और मूर्तियां प्रदर्शित की गई हैं। 1904 में बोडे संग्रहालय खुला और अब उसमें मूर्तियों के संग्रह के साथ ही बाइजेंटीन कलाकृतियों का संग्रहालय और सिक्के व मुद्राओं का संग्रह भी है। बगल में ही पेरगमोन संग्रहालय है जो 1930 में खोला गया था। इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीन संरचनाएं जैसे पेरगमोन वेदी और बेबीलोन का जुलूस मार्ग रखे गए हैं। आज पूरे बर्लिन में 19 सरकारी संग्रहालयों के साथ साथ बहुत से पुस्तकालय, अभिलेखागार और अनुसंधान केंद्र हैं जो मानवता के इतिहास पर अनोखा दृष्टिकोण पेश करते हैं। उनके
इनके संग्रह बर्लिन को एक अहम सांस्कृतिक केंद्र बनाते हैं, जिसमें अलग अलग युगों की निशानियां मौजूद हैं। करीब 70 लाख कलाकृतियों के साथ बर्लिन का बहुमूल्य खजाना ट्रेजर ट्रोव दुनिया भर के 5 सबसे बड़े संग्रहों में से एक है। इसके सभी संस्थान एक संगठन पर्शियन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन से जुड़े हैं, जो दुनिया भर में अपनी तरह का अकेला संगठन है। प्रशियन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन में पाषाण युग से लेकर समकालीन कलाओं तक की सभी संस्कृतियों की शाखाओं का जबरदस्त संग्रह है। वो कला और संस्कृति व विज्ञान और अनुसंधान को एक ही छत के नीचे ले आया है। फाउंडेशन के अध्यक्ष हरमन पारसिंगर विश्वविख्यात पुरातत्व विज्ञानी हैं। कांस्य युग का एक उलझा हुआ केस आज तक इनके दिमाग में बैठा है। सुराग हमें इस शांत घाटी में खूबसूरत टोलेंसे नदी की तरफ लेकर जाते हैं, जो बर्लिन से कुछ ही दूर मेक्लिनबर्ग वेस्ट पोमेरानिया में है। लगभग 3300 साल पुराना नेफरतिति जितना ही पुराना होने के कारण मामला साफ नहीं रहा है। इसी वजह से थॉमस टेरबर्गर और डेटले यानसेन की खुदाई की टीम के लिए और सुराग हासिल करना मुश्किल हो रहा है। मेहनत से हो रही पुरातात्विक जांच धीरे धीरे स्थानीय और बाहरी समूहों के बीच इस प्रागैतिहासिक टकराव पर रोशनी डालती है। क्या ये टकराव सांस्कृतिक बदलावों को लेकर था? ऐतिहासिक घटनाओं के पुरातात्विक प्रमाण खोजना बहुत कठिन है, इसी से टोलेंसे इतनी आकर्षक जगह बनती है। कांसे की नोक वाले तीर इस क्षेत्र के नहीं हैं, और युद्ध में लगी चोटों के साफ सबूत वाली हड्डियां साफ बताती हैं कि ये मानव इतिहास में सबसे पुराना ज्ञात युद्ध क्षेत्र है। कहां तो प्राचीन इतिहास के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं थी, और अब अचानक हमारे पास ऐतिहासिक किरदारों के असली उदाहरण हैं। ये बेहद रोमांचक है। यकीन नहीं होता। अब हमारे पास टोलेंसे घाटी से मिली ऐसी 4 सोने की अंगूठियां हो गई हैं। हाँ, ये इस बात का संकेत भी हो सकती हैं कि इस जगह पर घटे घटनाक्रम में उच्च वर्ग के लोग भी शामिल थे। हमारे सिमुलेशन प्रयोगों ने दिखाया कि चकमक पत्थर की नोक वाले तीरों और कांसे की नोक वाले तीरों का असर एक जैसा था। यह एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इससे पता चलता है कि दोनों को बराबरी से इस्तेमाल किया जाता था। बहुत सुंदर। हमारा अंदाजा है कि धनुष और तीरों वाली ऐसी लड़ाई में 20-25% योद्धाओं की मौत हो जाती होगी। इसका मतलब है कि ये जंग लगभग 2500 या शायद 4000 लोगों ने यहाँ लड़ी होगी। ये इस जगह पर उस वक्त की बाकी खोजों से मेल नहीं खाता। इसने मुझे हमेशा से ही प्रभावित किया है। ये सबसे पुरानी ज्ञात रणभूमि है। धरती पर सबसे पुराना ज्ञात जंग का मैदान और प्रागैतिहासिक और प्रारंभिक इतिहास के संग्रहालयों में आने वाले लोग इसके कुछ वर्ग मीटर को देख सकते हैं। तो यहाँ खुदाई वाला क्षेत्र दिखाया गया है। ये 3D स्कैन का प्रिंट है, लेकिन अब हमने सबसे पुराने ज्ञात जंग के मैदान को खोज लिया है। यह अविश्वसनीय है। संग्रहालय के अलावा भला और कहाँ? विशेषज्ञ लगभग 3000 साल पुराने मामले की जांच करेंगे। कोई चीज एक बार संग्रहालय में रख दी गई
तो माना जाता है कि वो अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच चुकी है। पेरगमोन म्यूजियम में रखी विशालकाय संरचनाएं कभी महान शहरों की निशानियां हुआ करती थीं, जैसे मिलेटस का मार्केट गेट, पेरगमोन वेदी, बेबीलोन का जुलूस मार्ग। 1930 के बाद से वे म्यूजियम आइलैंड के सबसे लोकप्रिय आकर्षण रहे हैं। फिर भी अपने विशाल आकार के बावजूद इन विशाल संरचनाओं के लिए कई खतरे मौजूद हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं ईस्टर गेट और बेबीलोन का जुलूस मार्ग, जिन्हें दोबारा बनाया गया है। राथकेन रिसर्च लेबोरेटरी के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें पता लगाया जा रहा है कि प्रकाश को कैसे नियंत्रित करें कि ईंटों का मूल रंग खराब ना हो। मैं जानना चाहता हूँ कि इस ईंट का ये नीला रंग इन जानवरों के नीले रंग जैसा ही है या नहीं। मार्कस हिलगर्ट पेरगमोन संग्रहालय में मध्य पूर्व की विश्वख्यात प्राचीन संरचनाओं के प्रभारी हैं। वे म्यूजियम के डिजिटल सांस्कृतिक विरासत केंद्र के प्रमुख भी हैं। ऐसे नामचीन संग्रहालय डिजिटल युग में वर्चुअल दुनिया को किस तरह अपना रहे हैं। यहाँ से एक एक्सरे किरण निकलती है जो आप ऑब्जेक्ट की तरफ कर देते हैं, जैसे अभी यहाँ से नीली रोशनी निकल रही है जो जानवर या बैल पर पड़ रही है, और ये डिटेक्टर वापस परावर्तित होती एक्सरे किरणों को जमा कर लेता है। एक संग्रहालय और यूनिवर्सिटी में यही अंतर है कि जब आप संग्रहालय में काम करते हैं तो आपका वास्ता सीधे कलाकृतियों से पड़ता है और आप उनका ध्यान रखते हैं, मतलब संग्रहालय के शोध में बहुत से पहलू होते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी के साधारण शोध में आप वस्तुओं के ऐतिहासिक इस्तेमाल और मतलब के बारे में जानते हैं। हमारे यहाँ कलाकृतियों से संबंधित ऐसी विशेषज्ञता है जिसे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जा सकता। आधुनिक म्यूजियम रिसर्च के संस्थापकों में से एक, जो साहसी भी थे और बुद्धि के भी धनी, जो प्रकृति के रहस्यों को उजागर करने के लिए अपनी शारीरिक सीमाओं को लांघ गए, वो थे अलेक्जेंडर फॉन हुम्बोल्ट। हम विदेशी संस्कृतियों को किस नजरिए से देखते हैं? अलेक्जेंडर फॉन हुम्बोल्ट ऐसे पहले यूरोपीय थे जो दुनिया को जीतने नहीं बल्कि वैज्ञानिक पड़ताल के लिए उसकी सैर पर निकले थे। वो अपनी यात्रा से जुड़ी हर चीज अपनी डायरी में लिख लिया करते थे। ये लाइब्रेरी इस विशेष खजाने का फोटोशूट करा रही है। हम इन सबको उस खाली जगह पर खिसका सकते हैं, इस तरफ, यहाँ। हाँ, अब ठीक है। इन डायरियों को आप देख सकते हैं कि कैसे ये सब दरअसल नोटबुक हैं और उन्हें आपस में जोड़ दिया गया है। वे पूरी जिंदगी इन डायरियों पर काम करते रहे। ओरिनोको की उनकी यात्रा का विवरण यहाँ इस पन्ने से शुरू होता है। ये ओरिनोको का एक स्केच भी है। ये नोट्स चिपकने वाले नोट्स जैसे हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी वे अपने समय से आगे थे, पोस्टिट्स जैसे। उन्होंने ही इन्हें ईजाद किया था। बिल्कुल, यहाँ आप देख सकते हैं कि हुम्बोल्ट को अपनी यात्रा के दौरान किस चीज में दिलचस्पी थी, और वो था नाप लेना। लोगों ने मापों के जरिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानने की कोशिश की। ध्यान रहे कि ये सब डार्विन से पहले की बात है। मछली की ये ड्राइंग एकदम सामान्य है, ये उनकी डायरी के कटे हुए पन्नों में से एक है। जरा देखिए मछली की इस ड्राइंग को, साफ पता चलता है कि हुम्बोल्ट ड्राइंग में अच्छे थे। जबरदस्त, मैं इस मछली को थोड़ा दाईं तरफ चाहता हूँ। अगर हम इस पन्ने को थोड़ा दाईं तरफ खिसका दें तो किताबों की जिल्द ठीक से दिखेगी। थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा पीछे। हाँ, कभी कभी सोचती हूँ अगर हुम्बोल्ट के पास कैमरा होता तो वो क्या करते। वो ओरिनोको की अपनी यात्रा पर जंगल में कैमरा जरूर लेकर जाते, लेकिन कैमरे की जगह उनके पास कलम और दवात हमेशा तैयार रहती थी। आधुनिक समय के एथनोलॉजिस्ट्स यानी मानव विज्ञानियों की तस्वीरें अलेक्जेंडर फॉन हुम्बोल्ट की
असाधारण अवलोकन प्रतिभा को प्रमाणित करती हैं। हुम्बोल्ट छपने के लिए अपनी डायरी के कुछ लेखों को थोड़ा अलंकृत कर दिया करते थे। किस्मत की बात है कि हम एक बुजुर्ग इंडियन से मिले जो कुरारी जहर तैयार करने में जुटा था। इसके लिए मावा क्यूरे पौधे की छाल को खुरचा जाता है, फिर उसे केले के पत्ते से बनाई गई कीप में डाला जाता है। इसके लिए पत्तों को मोड़ा जाता है, फिर शंकु के आकार की कीप बनती है, जिसे फिर ताड़ के पत्तों से बनी मजबूत कीप में रखा जाता है। सबसे पहले एक ठंडा घोल बनाया जाता है, जिसे छानने पर जहरीला द्रव मिलता है। उस बुजुर्ग इंडियन ने कहा, मैं जानता हूं कि गोरे लोगों को काला पाउडर बनाने की गोपनीय विधि आती है, लेकिन ठीक से ना दागें तो वो जोर की आवाज करता है, जिससे जानवर चौंक जाते हैं। कुरारी बेहतर है, क्योंकि ये खामोशी से मारता है। दुनिया को लेकर सबसे खतरनाक सोच उन लोगों की होती है जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है। अपने इस संक्षिप्त वाक्य से अलेक्जेंडर फॉन हुम्बोल्ट ने अपने खोजी जीवन के पीछे मानवीय आदर्श को बयान कर दिया। हाँ, ये अच्छा है। अच्छा दिख रहा है। हाँ। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हुए कैसे हम इस दुनिया के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं? विभिन्न युगों और क्षेत्रों से उठने वाले इस सवाल के कई सटीक जवाब बर्लिन के बहुमूल्य खजाने में मिल सकते हैं। हम मनुष्य कभी प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं के रूप में पूजते थे, जैसे कि एस्टेक लोग सूर्य को भगवान मानते थे। अलेक्जेंडर फॉन हुम्बोल्ट सूरज के इस चित्रण को मैक्सिको से बर्लिन ले आए। हुम्बोल्ट फोरम में विभिन्न संस्कृतियों के संग्रहों को एक नए संदर्भ में पेश किया जाएगा, ताकि दुनिया को समूचे रूप में समझा जा सके। हालांकि प्रदर्शनी स्थल को लेकर तीखी बहस चल रही है। फिर से नवनिर्मित बर्लिन पैलेस जर्मनी के काले औपनिवेशिक अतीत की यादों को ताजा करता है। यहाँ रखी चीजें अपनी रोमांचक लेकिन विवादास्पद कहानियां भी सुनाएंगी। कई पुराने आविष्कार इतने कमाल के हैं कि सिर्फ नई टेक्नोलॉजी ही उनकी उपलब्धियों की बराबरी कर सकती है। ये स्टिक चार्ट समुद्री उफानों को दर्शाता है। जीपीएस सिस्टम से पहले सटीक नेविगेशन के सिग्नल अंतरिक्ष से आते थे, और पिछली कुछ सदियों के दौरान संचालक शक्ति के कुछ स्वरूप शायद ही बदले हों, क्योंकि उनमें सुधार संभव ही नहीं है। ये सांता क्रूज द्वीप की एक आउटरिगर बोट है। ये व्यापार के लिए इस्तेमाल होती थी। इसका पाल अलग ही दिखता है। इसका आकार केकड़े के पंजे जैसा है। विंड टनल में हुए टेस्टों में समुद्री इंजीनियरों ने पाया कि ये जबरदस्त है। ये पाल इसी आकार के त्रिकोणीय पाल से कहीं बेहतर है। सांता क्रूज द्वीप के लोग बेहतरीन नेविगेटर माने जाते थे। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कुछ हजार वर्षों पहले बसा था। ये सिर्फ इन नौकाओं और लोगों के नेविगेशन कौशल की बदौलत बस पाया। समुद्र इन द्वीपों को अलग नहीं करता, बल्कि जोड़ता है। दशकों तक एथनोलॉजिकल म्यूजियम के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर गैल्ट कॉक ने 16 मिलीमीटर कैमरे के साथ इस क्षेत्र की यात्रा की। उन्होंने कई ऐसी तकनीकों को दर्ज किया जो अब कई जगहों से लुप्त हो चुकी हैं, जैसे नाव बनाना। कॉक ने सांता क्रूज द्वीप समूह की इस नाव की अंतिम यात्राओं में से एक को फिल्माया, जिसे उन्होंने एथनोलॉजिकल म्यूजियम के लिए खरीदा था। पोलिनेशियन लोगों ने उनसे अपना गोपनीय ज्ञान भी साझा किया। गैल्ट कॉक ने उनके नेविगेशन कौशल के बारे में ये लिखा। अच्छा मौसम शुरू होने का संकेत देते हुए जब स्टारफिश ने अपने छिपने के स्थानों को छोड़ दिया, तो पोलिनेशियन लोगों ने दिन के आखिरी घंटों में अपनी लंबी दूरी की यात्राएं शुरू की। उन्होंने क्षितिज पर
उन बिंदुओं को देखा जहां कुछ निश्चित तारे दिखाई देते हैं, और वे जिन द्वीपों पर जाते थे उन्हें पता था कि कुछ आकाशीय पिंड आकाश में एक काल्पनिक रास्ते पर एक दूसरे के पीछे चलते हैं। वो उभरते हुए मार्गदर्शक सितारे का इस्तेमाल कर अगले द्वीप की यात्रा शुरू करते थे। अगर वो सितारा आकाश में ज्यादा ऊपर चला जाता था तो वो सितारे के पीछे उभरने वाले तारे की मदद से नेविगेशन करते थे। पॉलिनेशियन लोग इतिहास के बेहतरीन नाविक थे। प्रकृति पर ध्यान देकर और उसके नियमों का पालन करके प्रशांत द्वीप की इन नौकाओं को बर्लिन के बाहरी डालेम इलाके में स्थित एथनोलॉजिकल म्यूजियम से शहर के मध्य में स्थित हुम्बोल्ट फोरम तक ले जाने के लिए एक अलग प्रकार के नेविगेशन कौशल की जरूरत होगी। शायद ये इस नाव की अंतिम यात्रा होगी। पास ही में स्थित एशियन आर्ट म्यूजियम में भी यात्रा की तैयारी हो रही है। संग्रहालय के बीच में एक गुफा है जिसमें 1500 साल पुराने बौद्ध भित्ति चित्र हैं। इस रिंग बियरिंग डव्स गुफा की विशेषता यह है कि यह चीन से बाहर किसी भी संग्रहालय में प्रदर्शित की गई एकमात्र बौद्ध गुफा है। पर यह गुफा बर्लिन कैसे पहुंची? 19वीं सदी की शुरुआत में सिल्क रोड की खोजी यात्राओं पर गए जर्मन शोधकर्ता वहां से इन भित्ति चित्रों का एक बड़ा हिस्सा साथ ले आए और यहां थोड़े बहुत बदलाव के साथ गुफा को फिर से तैयार कर दिया गया। काफी हद तक थ्री डायमेंशनल पहेली की तरह इस गुफा को अलग अलग खंडों में जोड़कर बनाया गया है। हुम्बोल्ट फोरम में ये वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाएगी। दिलचस्प बात यह है कि शोधकर्ता ये दिखाने के लिए दुनिया के उस हिस्से में गए कि वहाँ संस्कृतियों का मिलन होता है। भारत से बौद्ध धर्म, चीनी कला और यूनानी संस्कृति सब एक साथ मिल गए, और ये बात आप उत्कृष्ट रूप से बनाई गई इन आकृतियों में देख सकते हैं, जो कभी कभी यूनानी मूर्तिकला की याद दिलाती हुई सुंदर रूपरेखा को दर्शाती है। १९०२ और १९१४ के बीच चार खोजी टीमें उत्तर पश्चिमी चीन के लिए निकल पड़ी, इस उम्मीद में कि प्राचीन यूरोपीय और एशियाई संस्कृति के बीच शायद कोई संबंध ढूंढ पाए, और शायद ईसाई और बौद्ध धर्म के बीच भी। शोधकर्ताओं ने किजिल में 236 बौद्ध गुफाओं का पता लगाया जिनमें अनोखे भित्ति चित्र थे जो भुला दिए गए थे, और वे कुछ कुछ बर्बाद भी हो चुके थे। भूकंप ने नाजुक रेतीले पत्थर की ढलानों को हिला दिया, और खोजकर्ताओं को जब ये बौद्ध चित्र मिले तो उनमें चेहरों को अन्य धर्म के लोगों ने खरोंचा हुआ था। इन हालात में खोजी टीम के लीडर एल्बर्ट ग्रुनविडल को इस सांस्कृतिक खजाने को कैसे संभालना चाहिए था? रिसर्चरों ने इनमें से काफी भित्ति चित्रों को हटाने का बड़ा फैसला लिया। क्या उन्होंने कला को बर्बाद किया या उसे बचाने के लिए ऐसा किया? जो भी हो, उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसे आज देखभाल और संवेदनशीलता की बहुत जरूरत है। देवी और सज्जनों, हमारा विमान दोपहर 2:35 पर कूचा एयरपोर्ट पर उतरने के लिए तैयार है। ग्रुनविडल के नक्शे कदम पर चलते हुए 2017 में एक और रिसर्च टीम चीन के सुदूर प्रांत शिनचियांग के लिए निकली। क्या वो हुम्बोल्ट फोरम के मध्य एशियाई संग्रह की प्रदर्शनी के लिए नई गहन जानकारियां हासिल कर पाएंगे? क्यूरेटर लीला रसल स्मिथ की एथनोलॉजिकल म्यूजियम में इन गुफाओं के साथ पहली मुलाकात ने उनका जीवन बदल दिया।
जब मैं पहली बार 1987 में पश्चिम बर्लिन गई, उस वक्त मैं अपने जन्म स्थान हंगरी में पश्चिमी कला इतिहास की पढ़ाई कर रही थी। उस वक्त मुझे मध्य एशिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रदर्शनी इस तरह गलियारों के रूप में लगाई गई थी, मानो आपको लगे कि आप सिल्क रोड की यात्रा पर हों। तभी मेरे सामने ये आश्चर्यजनक गुफा पड़ी। मुझे सच में लगता है कि इसने मेरे अध्ययन के पाठ्यक्रम को बदलने और इस क्षेत्र में आगे रिसर्च करने के मेरे फैसले में बड़ा योगदान दिया। हम आखिर आ ही गए होलगर। वाह टूरी, ये रंग देखो। हम यहां हैं किजिल की रिंग बेयरिंग डव्स गुफा में बाकी बचे भित्ति चित्रों के पास। इन भित्ति चित्रों में कुछ ऐसी शांति है जिसे संग्रहालय जाने वाला हर व्यक्ति महसूस कर सकता है, भले ही वे इसका सही अर्थ ना समझें। इस बड़े चित्र पर ये आभूषण देखो, कितने विस्तार से बनाए हैं। हाँ, ये चेहरे और ये हाथ। गुफा के ये 1500 साल पुराने पवित्र चित्र बुद्ध के चमत्कारों की गाथा सुनाते हैं, जिन्होंने लोगों को निर्वाण के द्वारा वैश्विक पीड़ा से उबरना सिखाया। श्रद्धालु मशालों को लेकर चलते थे, जो इस अंधेरी गुफा में प्रवेश करते ही टिमटिमाते थे, क्योंकि उस वक्त इन शानदार दीप्तिमान रंगों पर सोना हुआ करता था। वाकई ये उन श्रद्धालुओं के लिए एक शानदार अनुभव रहा होगा, जो इतनी लंबी यात्रा के बाद यहाँ पहुँचते होंगे। इतनी क्षति के बाद भी इस गुफा का आध्यात्मिक तेज ज्यों का त्यों बना हुआ है, लेकिन क्या वो आज मंडरा रहे खतरों का सामना कर सकती है? यह पत्थर होलगर, हाँ, इस चट्टान में 64% नमी है। खुद भित्ति चित्रों वाली दीवार में 50% नमी है। नमी में 15% का अंतर। तभी ये उखड़ रही है और लवण दिख रहे हैं। बुरा हाल है ना? मिस रसेल स्मिथ, यहाँ देखिए। और वहाँ, ये यहाँ, यहाँ और यहाँ से गिर रहा है। इधर दरार पड़ रही है, ये यहाँ से उखड़ रहा है। सबसे बुरी हालत यहाँ ऊपर है। इस गुफा का मुख्य आकर्षण बुद्ध की एक मूर्ति थी, जो एक छोटे से कुंज में रखी थी। पर वो कैसी दिखती थी? अब यहाँ मूर्ति का कोई अवशेष भी नहीं बचा। कोने की इन दीवारों पर ये छेद होना संयोग की बात नहीं। कुछ पता है ये किस चीज से हुए? शायद लकड़ी का कोई ढांचा हटाने से। शायद इसके पीछे यहाँ एक आभा मंडल होगा। हाँ, लकड़ी का। इसका मतलब भित्ति चित्र केवल वहीं तक सीमित थे। हाँ, उनको इसके पीछे रखने की जरूरत नहीं थी। वहाँ कोई भित्ति चित्र है क्या? नहीं, यहाँ कभी कुछ नहीं था। ये रहा सबूत। आभा मंडल यहाँ तक था, यहाँ एक चक्र था, यहाँ किरणों का एक पुंज रहा होगा जो यकीनन पेंट किया होगा। क्या म्यूजियम में कोई चक्र है? हाँ, एक छोटा चक्र है। ये सनसनीखेज बात है।
किसी और संग्रह में ऐसा लकड़ी का आभा चक्र नहीं है। हम जानते हैं वो किजिल का है, भले ही वो उस विशिष्ट गुफा से नहीं हो, फिर भी ये बहुत दिलचस्प बात है। मिस्टर गाब्श, हम इसे हुम्बोल्ट फोरम की गुफा में जरूर दिखाना चाहेंगे। चीन की शोध यात्रा ने हुम्बोल्ट फोरम में रिंग बियरिंग डव्स गुफा के पुनर्निर्माण के लिए पूरी तरह से नई संभावनाएं खोल दी हैं, और जर्मन और चीनी रेस्टोरेटरों के बीच इस रिसर्च के क्षेत्र में सहयोग की शुरुआत हुई। इसका मकसद है यहाँ और साइट पर दोनों जगह कलाकृतियों को सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित करना। आज सुबह आपने खुद से पहला सवाल क्या पूछा था? आज रात सोने से पहले आप खुद से आखिरी सवाल क्या पूछेंगे? जीवन का अर्थ क्या है, या फिर ये कि क्या मैंने अलार्म लगा लिया? सवाल चाहे जो भी हो, बर्लिन के प्रशियन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन के बहुमूल्य खजाने में आपके लिए कुछ हैरान करने वाले जवाब जरूर होंगे।